हरियाणा में छीना झपटी चोरी के अलावा अब बदमाशी की वारदातें भी बढ़ने लगी हैं। शुक्रवार रात को फतेहाबाद तहसील चौक क्षेत्र में आधा दर्जन युवकों ने एक घर के बाहर जमकर उत्पात मचाया। गालियां निकालते हुए युवकों ने गेट तोड़ने का प्रयास किया, ईंटें बरसाई। युवक के आतंक से सहमे परिवार ने अंदर से गेट बंद कर डायल 112 पर पुलिस को बुला लिया। पुलिस आने से पहले युवक वहां से रफू चक्कर हो गए। परिवार की मुखिया महिला आशा ने बताया कि उसका बेटा गोगी फवारा चौक पर फल सब्जी की रेड़ी लगाता है और उसी को मारने के इरादे से रात को 4-5 युवक उनके घर के बाहर आए। महिला ने बताया कि युवक गाली गलौज करने लगे और उनका दरवाजा तोड़ने लगे। उसने एक बार जैसे ही गेट खोला तो एक युवक ने उसके हाथ पर ईंट मार दी, जिस पर उसने तुरंत दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। इसके बाद युवक दरवाजा पीटते रहे, गालियां निकालते रहे, ईंटें बरसाते रहे। इनमें से एक युवक की पहचान मिट्टू के रूप में हुई है। महिला ने बताया कि युवक उसके पुत्र और परिवार को जान से मारने की धमकी भी देते रहे, जिस पर उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस पहुंची तब तक युवक भाग चुके थे, जिस पर पुलिस ने मौके की वीडियोग्राफी की। घटना की वीडियो एक पड़ोसी ने रिकॉर्ड कर ली, जिसमें युवक बुरी तरह गेट पीटते हुए और गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। सिर पार दो इधर से जाओ। रात को पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। शनिवार को परिवार के लोगों ने शहर थाना जाकर लिखित शिकायत दर्ज करवाई। थाना शहर के सब इंस्पेक्टर रघुबीर सिंह का कहना है कि मामले में शिकायत आई है, पुलिस मामले की जांच कर रही है, जल्द ही आरोपियों को काबू कर लिया जाएगा। सभी आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। ये दरखास्त प्राप्त हुई है तहसील चौक पे, नरेश नाम के व्यक्ति ने दी है। उन्हें बताया कि वे 3-4 लड़के हैं जिन्हें रात को कह रहे हैं कि पत्थरबाजी और की है और कोई झगड़ा करने की वो करी है। दरखास्त प्राप्त हो चुकी है जिसकी जाँच की जा रही है। जैसी जांच के अंदर फैक्ट आएंगे और एज पर जो भी कानून कार्रवाई वो की जाएगी।